दोस्तों ये गिर की पार्किंग है एंड ऐसा मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ का रिसेप्शन है इस साइड। यहाँ पे हमें परमिट जो ने दिया है उसका वो मिलेगा, यहाँ से जी पेन लोकेट होगा। आप देख सकते हैं वहाँ भीड़ लगी हुई है परमिट दिखाने के लिए। एंड आई थिंक 2400 रुपये जीप का, 400 रुपये गाइड का देना होगा। इधर जो ऑफिशियल बुकिंग है उसके बाद हमें जीप एलोकेट होगी। उधर सामने आप देख सकते हैं ना देवलिया, मतलब ये एक वो है, ये दो सफारी होती है, देवलिया सफारी छोटी सफारी होती है जिसे आप नॉर्मली जा सकते हो, बाकी ये नॉर्मल जंगल सफारी है। और टिकटिंग काउंटर देख सकते हो देवलिया का, आई थिंक ये है, आप यहाँ से बुक कर सकते हो देवलिया टिकटिंग काउंटर से। बाकी सोवरेन शॉप है जहाँ से आप टी शर्ट्स, गिरकी, कैप्स, हैट्स ये सब ले सकते हो। ये है शॉप एंड यहाँ से रिसेप्शन सेंटर, यहाँ आप देख रहे हो जहाँ भीड़ लगी है यहाँ से भी हम लोग को परमिट दिखा के अंदर जाने को मिलेगा। सो अभी आपको अंदर जाके दिखाएंगे। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं अपना अपने रूट पे, हमारे साथ केतन गाइड भैया है। हेलो भैया, कुछ बताइए आज क्या दिखाने वाले हैं। अभी हम जा रहे हैं 6 नंबर के ट्रैक पर और जंगल घूमने, और दूसरे जो भी एनिमल दिखेंगे ये वाइल्ड लाइफ है, कुछ कह ही नहीं सकते, इसलिए जो भी मिलेगा स्पॉटेड डियर, सांबर डियर, इंडियन ब्लू बोल, वाइल्ड बोल, लंगूर है, मंगूस है, ऐसे देखने के चांसेस है। लायन लेपर्ड का भी चांस रहता है। अभी रूट तो जा रहे हैं, रूट का बता दीजिए, रूट से बेस्ट रूट नंबर हमारा 6 है। नहीं बेस्ट 13 रूट है, उसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, मतलब सभी रूट बेस्ट ही है यहाँ पे। जो भी रूट पे लायन साइटिंग हो जाता है वो रूट एक दिन के लिए बेस्ट हो जाता है। नागेश भाई, रवि भैया और हम लोग अभी चेक पोस्ट पार करके अपने अपने रूट पे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। हम लोग अभी चेक पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जंगल तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है, बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये चेक पोस्ट है, यहाँ से हमें रूट मिलेगा, वहाँ रूट नंबर 6 है, तो सब 13 टोटल 13 रूट है, उसमें सब लोग अलग अलग अपने रूट पे जाएंगे, हमारा 6 नंबर रूट है। Do's and don'ts and dressing colors that went with natural environment. चेकपोस्ट आ गया हमारा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे रूट नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 4, 6, 9, 11, 12। सारे रूट यहाँ से मिलेंगे, 2, 4। रूट नंबर 6 एंड आप ये बुक कर सकते हो यहाँ से विजिट। वेलकम टू गिर फॉरेस्ट, गिर में आपका स्वागत है। कहाँ से है सर आप? हम लोग यूपी से, कानपुर। कानपुर पता है, कानपुर इज द हैप्पीएस्ट सिटी, 11th, वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। अच्छा, ऑनली वन सिटी व्हाट प्लेस ये भी मेन रूट होगा, यहाँ से रूट अलग अलग होगा। हाँ, आगे से अलग अलग रूट में सभी गाड़ियाँ डिवाइड होती है। टूरिज्म के अंदर टोटल 13 रूट्स हैं यहाँ पे। हमारे पार्ट में 6 रूट हमारे पार्ट में आते हैं, 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये हमारे पार्ट में आएंगे। आगे हमारा 6 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर अभी साथ में चलेंगे, आगे से सब डिवाइड होते जाएंगे। तो पहले बात करते हैं गिर फॉरेस्ट एरिया की, तो इंडिया का ये सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, 1410 स्क्वायर किलोमीटर का ये ओपन फॉरेस्ट एरिया है, 1410 स्क्वायर किलोमीटर में 3 डिस्ट्रिक्ट में ये ओपन जंगल ओपन फैला हुआ है। जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गिर सोमनाथ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट तक ओपन फॉरेस्ट एरिया, कोई भी जगह से फेंसिंग और बॉर्डर नहीं है। आप बोल रहे थे ना फेंसिंग या बॉर्डर, तो कोई भी जगह पर नहीं है, पूरा ओपन है।
और गिर फॉरेस्ट में से लायन, जैसे जैसे लायनों की पॉपुलेशन तो बढ़ रही है तो वो अपना एरिया आगे बढ़ा रहे हैं। तो तीन डिस्ट्रिक्ट में ये फॉरेस्ट है, तो लायन का एरिया है टोटल अभी 7 डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो एशियाटिक लायन आपको भी पता ही होगा कि एशियाटिक लायन ऑल ओवर वर्ल्ड में से गिर जंगल में यहाँ पे नेचुरल सर्वाइव में है, बाकी गिर जंगल के अलावा और कोई जगह पे नहीं है। तो टोटल लायनों का पॉपुलेशन काउंटिंग है 674 है ऑल ओवर गिर जंगल, और गिर जंगल के आगे बॉर्डर साइड में जो निकल गए लायन वो सभी होकर 674 लायन है। उसमें मेल लायन जो है 161 मेल है, 260 फीमेल है, 137 कब्स है, ओके। उसमें से 45 जो है सब एडल्ट मेल है और 49 है सब एडल्ट फीमेल है, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट है ड्राई एंड डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट है, सूखा और पानखर जंगल है। यहाँ इस जंगल के अंदर ज़्यादातर जो ट्रीज है, पेड़ है, ये पूरा सागवन का जंगल है, टिकवुड फॉरेस्ट है। ये जितने भी बड़े पेड़ ये दिख रहे हैं ये सभी सागवन है, 75% पूरा ये टिकवुड का फॉरेस्ट है, ठीक है, टिकटोना ग्रैंडिस। तो इसे समर टाइम में जो कोई भी अगर यहाँ पे आप आओगे तो इसे ड्राई देखने के लिए मिलेगा, अगर मानसून सीजन के बाद आप अक्टूबर या नवंबर में आएंगे तो एकदम फुल ग्रीनरी देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है, ड्राई एंड डेसिडियस फॉरेस्ट है। 6 महीने ग्रीनरी होगा और 6 महीने पूरा ये भी ड्राई होता है। ग्रीनरी का टाइम क्या है? ग्रीनरी का अक्टूबर के मतलब क्या मानसून टाइम में, और मानसून के बाद 2 महीने तक ग्रीनरी देखने के लिए मिलता है, बाकी पूरा अभी ये ड्राई रहेगा। और गिर के अंदर टोटल मैमल्स जो है एनिमल्स यहाँ पे 39 स्पीसीज के मैमल्स है, जैसे कि लायन है, लेपर्ड, रस्टी स्पॉटेड कैट, जंगल कैट है, पोर्क्यूपाइन है, सिवेट कैट है, रेटल्स है, आइना है, पेंगोलिन है, ये सभी फुली नॉक्टर्नल्स है, ओनली सिर्फ नाइट में मूवमेंट करते हैं, नाइट में एक्टिविटी उनका ज़्यादा रहता है, दिन में नहीं निकलते हैं। और जो दिन में घूमते हैं स्पॉटेड डियर, सांबर डियर है, लंगूर है, वाइल्ड बोर है, मंगूस है, और लायन लेपर्ड के भी थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं दिन में देखने के, बाकी जो मैंने दूसरे पोर्ट के उपाय नाइना जो बताए वो सभी फुली नॉक्टर्नल्स है। अभी हम जैसे सफारी में जा रहे हैं, अभी टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो लायन का देखने का चांस जो है धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि लायन जो है ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, गर्म खून वाला, जो गर्मी सहन नहीं कर सकता है। उनका पूरा दिन का रेस्ट टाइम है 24 घंटे में से करीबन 16 से 18 घंटे तक उनको रेस्ट करना पड़ता है। और भी जैसे हमको अभी गर्मी लग रहा है तो उनको हमारे से 5 गुना ज़्यादा उनको गर्मी लग, क्योंकि एक तो उनका खून भी गर्म है, ऊपर से उनका खुराक भी गर्म रहता है, कच्चा मीट खाते हैं तो गर्मी ज़्यादा लगता है उनको। तो अभी वो ठंडी जगह पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, रेस्ट कर अभी रेस्ट करते हैं, झाड़ियों के अंदर है, कोई झरनों के आसपास है, ऐसी जगह पे वो रेस्ट करता है। तो जैसा आपको भैया ने बताया यहाँ पे गिर के बारे में, और ठीक है आगे क्या बैठा है, लंगूर बैठा है, ये देखिए लंगूर, लंगूर बोलते ना कि अगर कुछ एनिमल जाते हैं तो सबसे पहले वही देख के बता देता, चिल्ला देता है, अलार्म कॉलिंग करता है। स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर, ये लंगूर है, वो अलार्म कॉलिंग करेगा, कोई लायन या लेपर्ड कुछ भी मूवमेंट हो रही है, सबसे ज्यादा 100% अगर वो कॉल अलार्म कॉल कर रहा था 100% ऐसा बोलते हैं कि तो चांसेस ज्यादा रहता है कि आसपास का मूवमेंट रहता है, आसपास में तो दिख जाता है। खाते क्या है कौन, लंगूर जानवर, यही लंगूर है, लायन डियर है। लायन की बात करें, लायन लेपर्ड की बात करें तो जो हर्बिवर्स है, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर है, ये सभी एनिमल्स का शिकार कर लेंगे, वाइल्ड बोर है, नीलगाय है, लायन, ये सभी एनिमल्स का शिकार करता है। और शिकार का टाइम है ज़्यादातर पूरी नाइट में और अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादातर वो शिकार करते हैं, धूप में वो शिकार करने का ट्राई भी नहीं करेंगे, गर्मी में ज़्यादा वो एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, क्लाइमेट में उसका मूवमेंट रहता है। एक गिर का क्लोजिंग टाइम भी है ना कुछ साल में? हाँ, 4 महीने 16 जून से 15 अक्टूबर तक ये जंगल 4 महीने मानसून के बंद रहता है। क्योंकि तभी क्या एनिमल्स का मीटिंग टाइम, ब्रीडिंग टाइम रहता है, इसलिए 4 महीने बंद रहता है। और ये सभी रास्ते कच्चे रोड है, मेटल रोड, और अंदर बड़े सभी हर जगह पे झरनों वगैरह में पानी बहुत बहाव ज्यादा रहता है पानी, इसलिए इसमें गाड़ी भी नहीं चल पाएगा मानसून में, इसलिए 4 महीने बंद रहता है। बहुत सारे हैं, करीबन 30 के आसपास है। ये आर्टिफिशियल वाटर होल है, सामने दिख रहा है ना, पानी का पॉइंट है।
तो ऑल ओवर गिर के अंदर करीबन 500 प्लस वाटर पॉइंट्स है। दिन में पानी कहाँ से आता है? पानी भर दिया जाता है, कुछ जगहों पे बोर बना के सोलर पैनल अच्छा। सोलर पंपिंग फिट कर दिया है, कुछ जगह पे टैंकर द्वारा भरते हैं अच्छा। कुछ जगह पे विंडमिल लगाया हुआ है ऐसे, क्योंकि अभी क्या है समर टाइम में जो अंदर के साइड जो नेचुरल सोर्सेज जो झरने रहते हैं वो झरनों में पानी कम रहता है, सूख जाता है। लगभग 75% नेचुरल वाटर जो है वो सूख जाएगा, 25% ही नेचुरल वाटर रहता है अभी। तो हर जगह पे 3-4 किलोमीटर के अंतर पर ऐसे वाटर पॉइंट बनाए हैं गवर्नमेंट ने। और टूरिज्म के अंदर ज़्यादातर जो वाटर पॉइंट है वो रोड बाय है, ताकि टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने रोड बाय बनाए, ताकि कोई भी एनिमल पानी पीने के लिए आए तो देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पॉटेड डियर ये बहुत है गिर के अंदर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डियर का है, ऑल ओवर गिर में 90,000 प्लस है, 90,000 से ज़्यादा। बट एक और तेरा क्वेश्चन है भैया, जैसे कि हमें पता है कि इंडिपेंडेंस डे के बाद 17 लायन थे, कुछ 17 लायन था हाँ, उसके बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया और 17 से अब 700 के आसपास हो गया लायंस। नहीं हाँ, तो सारे एंसेस्टर्स है, भाई बहन है एक दूसरे के, अगर कभी कोई बीमारी फैला तो ज्यादा चांस है कि सबको एक नहीं ऐसे जो आप समझ रहे हैं, मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि लायन जो है ये रॉयल एनिमल है हाँ। एक मेल लायन जो रहता है ना उनका टेरिटरी होता है, आप डिस्कवरी वगैरह देखते होंगे तो आपको आइडिया भी होगा हाँ। एक मिनट, यहाँ पे आउल है, ये पेड़ के होल में देखे इंडियन स्कॉट्स आउल है, कंचन भाई देखा ना हाँ, जाग तो रहा कहाँ दिख रहा है ये सूखा पेड़ है, वी शेप के नीचे होल में देखे, यहाँ पे इस पेड़ में अच्छा हाँ तू दिख रहे हैं आवाज कम सॉरी छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं, इंसेक्ट को भी खा लेंगे, ये सब इनका खोरा है, ज्यादातर बर्ड जो है छोटे छोटे इंसेक्ट खाते हैं, पेड़ ऐसे है ना आपको ऐसा लगेगा कि कुछ बैठा है, तो और बैठे हैं ओके हां ओके चलिए ओके बात कर रहे हैं गाड़ी में कुछ वो यहाँ पर स्पॉटेड डियर डियर्स देखे हैं हम लोग ने, अभी आउल देखा, दो आउल दिखाए भैया ने पेड़ पे, आगे जाके ये भी तीनों अलग हो जाएंगे, फाइव यहाँ पे आगे जाके तीनों अलग हो जाएंगे ना, 5, 6, 9 अलग हो जाएगा, 5 अलग 6 अलग 9 अलग हाँ, आगे से सब डिवाइड होंगे, 5, 6 फिर भी साथ में चलेंगे आगे से, वो भी थोड़े आगे जाएंगे 10 किलोमीटर 10-12 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वो भी आगे से डिवाइड हो जाएंगे। अच्छा भैया अप्रोक्सीमेटली कितना रूट, कितना किलोमीटर लंबा होता है? हमारा करीबन 30-35 किलोमीटर का हमारा ट्रैक रहेगा। उसको हम लोग कितने घंटे में कवर कर सकते हैं? 2-2.5 घंटे के आसपास कवर हो जाएगा। ये हम लोग रूट नंबर 5, 6, 9 में कवर कर रहे हैं और ये पूरा फॉरेस्ट है। ये जो सामने जो पेड़ दिख रहा है ये वाइट पेड़, हाँ वाइट पेड़ ये जो दिख रहा है इसका नाम है गमट्री और इसे
घोस्ट ट्री भी कहते हैं क्योंकि जब ये चांदनी रात होती है ना मून लाइट से, ये रात को रेडियम की तरह शाइन करता है, इसलिए इसको घोस्ट ट्री बोलते हैं। और साल में ये 3 बार सीजन वाइज इसके कलर जो है चेंज करता है, जैसे मानसून सीजन में ग्रीन होता है, उसके बाद रेड पिंक कलर जैसा दिखता है, और अभी समर में एकदम वाइट हो जाता है। इस पेड़ से क्या निकलता है? गम में से गम निकल, गोंद का पेड़ है ये, जो लेडीज को जो लड्डू बना के जो खिलाते हैं उसमें जो गोंद डालते हैं ना, ये उसमें से गोंद निकलता है इसमें। और इसका एक मेडिसिन में भी यूज होता है, जो मेडिकल में से हम कैप्सूल वाली मेडिसिन लेते हैं, वो कैप्सूल का ऊपर का जो जिलेटिन होता है ना कवर, वो जिलेटिन इसके गम से बनता है। ट्राइबल्स है, जो मिल्क के कैन है उसके पास, दूध के ट्राइबल है क्या? ट्राइबल है। गिर में दो टाइप के ट्राइब्स है, एक मालदारी ट्राइब्स है और दूसरे जो है वो अफ्रीकन निग्रो ट्राइब्स है। वो अफ्रीकन लोगों को जूनागढ़ जो थे नवाब मोहम्मद खान जी भाभी, वो नवाब यहाँ पे अफ्रीकन्स को लाए थे और इन लोगों को रहने के लिए जगह दी हुई थी ट्राइबल्स को, मालदारी ट्राइबल्स को। तो ये लोग जो है ये बहुत सारी कैटल्स रखते हैं, काउ बफेलों को पालते हैं और दूध का इन लोगों का बिजनेस होता है। तो पहले के समय में क्या होता था कि गिर में पहले ऐसा समय भी आता था कि गिर में जो दुष्काल भी पड़ते थे, तो तभी क्या एनिमल्स की भी कमी होती थी, तो लायन को किल करने का भी थोड़ा ज़्यादा दिक्कत भी हो जाता था। तो तभी राजाओं ने मतलब कि नवाब ने ऐसा डिसाइड किया था कि भाई ज़्यादातर शिकार मिले और इन लोगों को भी फायदा हो जाए, जंगल के अंदर घास सब कुछ है वो सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, पानी भी कुएँ वगैरह बनाते थे तो सब कुछ दोनों को फायदा हो जाता था, तो इसलिए ट्राइबल्स को यहाँ पे रखा था। ये ट्राइबल्स के पास करीबन 50 से 60 बफेलो होती है, एक ट्राइबल विलेज में 300 से ज़्यादा बफेलो होती है। 5-6 भाइयों का फैमिली होता है तो हर एक भाई के पास 50 से 60 जितनी बफेलो होती है कम से कम। तो यहाँ पे कोई विलेज होगा आगे? हमारे ट्रैक में 2 विलेज आते हैं ट्राइबल पीपल, दोनों मालदारी के हैं, मालदारी कम्युनिटी। पॉपुलेशन कितना होगा वहाँ पर? 30-35 लोग रहते हैं। ऑल ओवर गिर में उनके 45 अभी विलेजेस है, 1965 में उनके विलेजेस थे 129 जितने थे। कम क्यों हो गया? उनको बाद में क्या गवर्नमेंट ने स्कीम निकाला था ना कि भाई जो लोग जिनको बाहर निकलना है उनको बाहर सिटी में मकान भी देंगे, जमीन भी और पैसे भी देते थे, इसलिए काफ़ी सारे निकल गए। अभी जो बचे वो अंदर रह रहे, बाकी अभी जो निकल गए उनको वापस रिटर्न यहाँ पे नहीं आ सकते वो लोग। उनका मेन ऑक्यूपेशन यही है फार्मिंग? नहीं, मिल्क का सिर्फ, फार्मिंग अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा, केवल मिल्क का। अच्छा, ये लॉयल अटैक नहीं करता उनके कैटल्स पे कभी? उनका कैटल्स का कभी कभार मतलब कि काफ़ी बार शिकार हो जाता है बफेलो का, क्योंकि जब तक ग्रुप में होगा तब तक तो नहीं होगा, लेकिन ग्रुप से जो अकेली जो पीछे रह जाएगी उनके ऊपर अटैक कर लेगा वो, उनका शिकार हो जाएगा। तो बफेलो का शिकार करेगा तो उनके लिए फुल डिश है लाइन के लिए, देखे तो हमारी हाँ, बात अधूरी रह गई थी। तो जब भी 20 लायन थे तो तभी पहले क्या है कि राजा महाराजा जो और नवाब थे वो शिकार बहुत करते थे, जूनागढ़ के नवाब जो भी थे मोहम्मद खान जी भाभी, तो वो खुद शिकार करते थे, दूसरे राज्यों से राजाओं को भी इनविटेशन दे के बुलाते थे कि भाई आप यहाँ पे आओ शिकार करने के लिए। तो कब बहुत शिकार होता था पहले, बाद में लास्ट में जब भी 20 लायन करीबन बचे थे ना, तब नवाब ने एक लॉर्ड कर्जन को यहाँ पे बुलाया था, जो लॉर्ड कर्जन यहाँ पे आए और उन्होंने गिर का पोजीशन देखा तो गिर में लायनों की पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई थी, मतलब कि उनको वो ढूंढने के बाद भी दिख भी नहीं रहा था। तो बाद में उनको पता था कि ऑल ओवर इंडिया में लायन सिर्फ गिर में ही बचे हैं और कोई जगह पे नहीं है। तो नवाब को बाद में लॉर्ड कर्जन ने एडवाइस दिया कि भाई अगर ऐसे ही आप शिकार करते रहेंगे तो आगे की आपकी जो अगली जनरेशन आएगी वो रियल में लायन को नहीं देख पाएगी, इसलिए बाद में नवाब ने ही शिकार पर बैन लगा दिया था। ठीक है, तो बाद में जैसे आगे लायन आगे देखो लायन
छोटा सा बस 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 ये रुकिए तो ये देखिए लायन बैठा है लॉयनेस है देखिए दोस्तों लॉयन बैठा हुआ है कुछ नहीं करता है वो देखिए बाइक बैठा है वो देखिए बाइक वो लोग बाइक ऑब्जर्वेशन टीम है यहाँ पे है ना जंगल के अंदर लायन को ये प्रोटेक्शन दिया जाता है कंजर्वेशन ऑफ पार्ट्स एक टीम काम करती है ट्रैकर ऑब्जर्वेशन टीम ठीक है तो उनका काम है लायन को ऑब्जर्व करना कि कोई लायन इंजर्ड नहीं है बीमार नहीं है ये हर रोज़ का उनका रूटीन काम है चेक करने का क्योंकि लायन ए रॉयल एनिमल है अलग अलग एरिया के मेल दोनों साथ में हो जाते हैं दोनों का जोरदार इनफाइट हो जाता है इनफाइट में जो जीतेगा उस एरिया का किंग रहता है कई बार इंजर्ड हुआ है कोई बीमार है तो उनको देखकर चेक करके ऑफिस में रिपोर्ट देना है और डॉक्टर को यहाँ पे बुलाना है और उनको ट्रीटमेंट फॉरेस्ट गार्ड है बेसिकली ऑब्जर्वर है फॉरेस्ट गार्ड नहीं गार्ड भी अलग रहता है ये लोग भी अलग है ट्रैकर ऑब्जर्वेशन टीम ट्रैकर ऑब्जर्वेशन टीम है वो लॉयनेस बैठी है बट लॉयनेस तो पूरे प्राइड में होती है अकेले कैसे है ये समझ गया ये तो बूढ़ी है बूढ़ी नहीं है ये टाइम में मिल गया हाँ ये टाइम में देखना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अभी ये उनका अंदर जाने का टाइम है रेस्ट करने का टाइम है झाड़ियों में जाकर वो सो जाते कुछ नहीं होने वाला मम्मी शांत हो एकदम फर्स्ट टाइम है तो भैया आप समझ सकते हैं बैठी हुई है शी इज रेस्टिंग बेसिकली पीछे एक और जीप है जो देख रही है इसको वो देखिए वहां बैठे गए ये ना मयूर भाई केतन कौन से क्रिया का मिल लेना आएगा ना तो दोनों का जोरदार इनफाइट होगा उससे ये देखिए लायनों में राजा था ये यहाँ कोई से नहीं दिख रहा होगा लॉयन इधर लॉयन से मतलब रेस्ट कर रही है बीच बैठी है यहाँ से अच्छा दिख रहा है ये देखिए इधर देखा उसने अभी तो यंग ही है सर ये तो यंग है काफी यंग है पे तीन चार पांच जीप है हम पूरी रास्ते एक जीप है हमारी जीप है पीछे तो पूरी नाइट में चलते हैं 30 से 35 किलोमीटर जितना नाइट में चलता है ये सब हमको चला ना लेट गई है वो चलिए हम लोग आगे देखते हैं अच्छा साइटिंग हुआ ये आगे सही है ये देखिए यहाँ से पूरा अच्छा व्यू है ये देखिए बैठी है यहाँ से पूरा सूम है ये वीडियो में देखिए पूछ उसकी हिला रहा है वो अपनी फर्स्ट साइटिंग है हमारा रूट नंबर 6 पे लॉयनेस अकेले बैठी है यहाँ पे वाटर पिट के पास ये पूरा जंगल है गिर का तीन चार जीव और पीछे रेस कर रही हो अच्छी अडल्ट होने से वो मतलब अभी ज़्यादा बूढ़ी नहीं हुई यंग एज में बट अकेले है पता नहीं क्यों
देखिए ये ज़्यादा दूर नहीं होगा, करीब 50 मीटर दूर होगी। बाकी बहुत जीप अपना आ रही है, लग रही है पीछे। अगर अपने पास डीएसएलआर कैमरा होता तो अपना वीडियो फोटो दोनों अच्छा आता, बट थ्रू फोन इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अच्छा वीडियो निकले इसका, फोटो पॉसिबल है। तेज लोग क्यों बोल रहे हैं पीछे वाले भैया? काफी से काफी इसका बार इंसान पे ओवरटेक कर लेगा ना तो सेल्फ डिफेंस की वजह से ओवरटेक करता है, कोई उनको डिस्टर्ब कर दिया है, उनके ज्यादा नजदीक चला गया है और वार्निंग देता है लाइन, अगर वार्निंग में नहीं समझे बाद में ओवरटेक करता है, ऐसा है। आगे भी जीप रुकी हुई है, लेपर्ड कर देता है, आगे भी जीप रुकी हुई है, तो मतलब यहाँ पे एक्साइटिंग होगा फॉर श्योर। भाई ये रूट क्या, अलग नहीं गए ये देखिए जंगल में जीप खड़ा, डॉक्यूमेंट्री वाले हैं। अच्छा इनके पास कैमरा देखिए, डॉक्यूमेंट्री है, नेट जियो या डिस्कवरी वाले होंगे। ये देखो चाड़ियों के अंदर है लाइट, छोटे छोटे कब्स भी है। नहीं दिख रहा भैया, इसे नहीं देखेगा, थोड़ा झुक के देखना पड़ेगा, नीचे झुक के देखो। देखो पैर दिख रहे ना इस टाइम में, छोटे बच्चे हो ये सफारी में ना, ऐसा दिखता है। अच्छा वो क्योंकि झाड़ियों के अंदर है, वो धूप इतनी ज्यादा है कि बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर आ रहा है। बाहर होने के चांसेस काफी कम है, वहाँ आगड़ एक अगला गला आगड़ ना रही है। वो देखिए लाइन रेडी ओके, ज्यादा बड़ी नहीं है ऐसा लिख रही है, खड़े हो जाओ आप, दिख रहा है वो देखिए और तुम कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है लाइन से, और वो झाड़ियों के पीछे देख लाइन बैठी है, मार तोड़ बच्चा इन अंदर नहीं करता, अंदर इधर इधर जस्ट इसके अंदर दिख रहा है आई थिंक, ये तो बैठा ओला बैंक का साहब अपन ने सामने मेहमान से बुक मत और नंबर लिख लिया इसके अंदर पानी से, तो पीछे उन्होंने कब्स देखे थे। थर्ड साइटिंग है हमारी, ये संतोष हमने कब्स देखे, फर्स्ट लाइनेस देखी, कब्स देखे, देन ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीचों बीच बैठी हुई है, देखिए इधर उधर ने उस जीप से जहाँ पे वहाँ पे हमने कब्स देखे थे, वो देखिए पूरी प्रॉपर दिख रही है जी, बट पूरा प्रॉपर दिख रही है, दे आर रेस्टिंग। अब दोपहर की साइटिंग में हम लोग केवल रेस्ट करते हुए लाइन दिखेंगे। कबीले वाले फॉरेस्ट गाइड देखिए पेड़ में रेस्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हां ट्रैक कर रहे हैं, ऑब्जर्वर देखिए रेस्ट कर रहे हैं ऐसा, मतलब कहीं का काम है, सुबह से 5 बजे से आके वो देखते हैं। ऐसा वीडियो उनका मतलब है।
तीसरा साइटिंग है हमारा, अभी एक घंटा भी नहीं हुआ है, तीन साइटिंग हो चुकी है हम लोग की गिर में। दिख रहा साफ साफ देख लिया टोटल तीन साइटिंग हुई अलग अलग, स्पॉटेड डियर देखा, आउल देखा, बच्चा था ना उधर, टोटल तीन कप्स लेकिन वो चाड़ियों में अंदर थे। ये टाइम में आपको बैठा हुआ और इतना क्लियर मिला ना, वो भी बहुत अच्छी बात है। नील गाय है, देखिए वो, देखिए नील गाय अंदर अंदर भी है, देखिए वहाँ वो अंदर है, वो मेल है दोनों। हाँ मेल के हॉर्न्स होते हैं ना, मेल के हॉर्न्स देखिए, स्पॉटेड डियर देख ही चुके हैं, वो नील गाय है, ये रही नील गाय है। घोड़ा मम्मी बहुत बड़ी होती है, शेर को मरना आसान नहीं होता है, उनकी एज अभी छोटी है, ये जैसे उनकी एज बढ़ेगी ना उनकी साइज बढ़ेगी, एकदम घोड़े जैसा ही लेता है। उसको मारना लेकिन आसान नहीं होता ना भैया, शेरों के लिए भी काफी टफ होता है शिकार करना, शिकार नहीं होगा। वाटर पेट अगर बॉडी बहुत सख्त रहता है, अलग हो रहा है हमसे, 5-6 लेन आगे बढ़ रहे हैं, आगे जाके वो भी अलग हो जाएगा। आते हैं छोटे छोटे गोल गोल चीकू जैसे होते हैं, ये गोल वाला रात में ये अलग अलग जैसे होते हैं, इसीलिए नाम इसका गोस्ट ट्री। आप कलर बदलता है ना, कलर चेंज होता है,
फॉरेस्ट कहते हैं उनका एक रीज़न है कि जो टोटल गिर का जो फॉरेस्ट एरिया है वो माउंटेन एरिया है, पर्वतों की जो हारमाला होती है उनको गिरिमाला बोलते हैं। तो गिरिमाला में से शॉर्ट वर्ड लिया है गिर, जैसे गिर बोलते हैं। और शासन इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जूनागढ़ के नवाब का पहले शासन चलता था इस एरिया में, तो इसलिए बाद में इस एरिया का नाम हो गया गिर को शासन गिर, इस गांव का नाम हो गया शासन का, रीज़न यही है। शासन गिर मैंने आपको बताया अभी कैसे शासन गिर नाम पड़ा है। शासन था नवाब जो का शासन था इसलिए शासन है, एंड गिर का जो पहाड़ों के से निकाला है गिरमाला से, उससे बड़ा है गिर, तो पूरा नाम बन के बना है शासन गिर। यहाँ पे जीव क्यों है वो देखिए, सुअर दिख रहा है, डेंजर रहता है ये जंगल का जो होता है ना। ये देखिए दोस्तों, ये जो ये जंगली सुअर है, जंगली सुअर जो है ये खतरनाक रहता है, बहुत खतरनाक। अकेला कोई अकेला इंसान होगा तो उनको थोड़ा ये अटैक कर लेगा, मार डालेगा। जंगली सुअर भी इनका शिकार जब करेगा ना तो मेल, अगर वाइल्ड बोर है मेल तो उनको आगे दो दांत रहते बड़े बड़े, तो उससे वो मेल जो रहता है तो लायन के साथ भी पहले फाइट कर लेगा, और जब थकेगा ये वाइल्ड बोर तब उनका ये शिकार होगा। वाइल्ड बोर बहुत हेवी रहता है, उनका बॉडी बहुत सख्त रहता है। ये देखिए मोर, बहुत सारे यहाँ पीकॉक है, आगे ट्राइबल विलेज है आगे। अच्छा आगे ट्राइबल विलेज है, देखो भाग रहा कसके पिकअप किसी तेजी से भागता होगा मोर, आपको दिखाई पड़ रहा होगा मोर। तो ठीक है लोगों को मैं खड़ा और नीचे करो, चलिए भैया यहाँ पे भैया उतरने के स्पॉट्स होंगे ना यहाँ पे कहीं, तो हाँ ये वॉशरूम पॉइंट आएगा बीच में, वहाँ पे आप नीचे उतर सकते हैं। वहाँ पे खाने पीने का भी अलग ही? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, अंदर कुछ खाने पीने का कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा। कई फॉरेस्टों में मिलता भी है ना, कैंटीन सारे फॉरेस्ट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे केवल वॉशरूम ब्रेक ले सकते हैं। हाँ ओनली ये देखिए विलेज है, मालदारी कम्युनिटी का ट्राइबल विलेज है। हम लोग क्यों खाते हैं वही खाते हैं, लेकिन इनका देसी खुराक रहता है, बाजरा की रोटली है, दही है। ये लोग गांव से लेके आते हैं, शासन के विलेज से पूरा महीने भर का राशन गांव से लेके आएंगे एक साथ, और इनको दूध देने के लिए भी बाहर जाना नहीं पड़ेगा, डेयरी का व्हीकल इधर आएगा, उनका मिल लेके जाएगा, वो पूरे महीने का हिसाब करवाने से व्हीकल खुद आता है। वो हर साल अपने जो है ना वो गिराते हैं, समर एंडिंग में वो सींग गिरा देंगे, तो समझिए कि आपको एक भी जगह पे अभी नीचे कोई सींग दिखाई नहीं दिया होगा। 90,000 प्लस डियर है सिर्फ रोड बाय काउंटिंग, पूरे जंगल में तो 2,00,000 के आसपास होंगे, फिर भी कोई भी जगह पे नीचे सींग दिखाई नहीं दिया। ये डियर है, स्पॉटेड डियर, वापस हम लोग किसी को लेना मना है, यहाँ जंगल से कोई लेके नहीं जा सकता। वेपन में यूज होते होंगे वो, एक खुद ही उनको खा लेते हैं, चबा जाते हैं। हाँ स्पॉटेड डियर, कैल्शियम खाने से उनमें से उनको कैल्शियम मिलता है। वरना अगर वो खाते नहीं तो हर जगह पे हमको सिंग ही सिंग देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हर साल गिराते हैं, हर साल नहीं आते। तो समझिए कि आपको एक भी जगह पे अभी नीचे कोई सींग दिखाई नहीं दिया होगा। 90,000 प्लस डियर है सिर्फ रोड बाय काउंटिंग, पूरे जंगल में तो 2,00,000 के आसपास होंगे, फिर भी कोई भी जगह पे नीचे सींग दिखाई नहीं दिया। ये डियर है, स्पॉटेड डियर, वापस हम लोग स्पॉटेड
का किसी को लेना मना है, यहाँ जंगल से कोई लेके नहीं जा सकता। वेपन में यूज होते होंगे वो, एक खुद ही उनको खा लेते हैं, चबा जाते हैं। हाँ, स्पॉटेड डियर कैल्शियम खाने से उनमें से उनको कैल्शियम मिलता है। वरना अगर वो खाते नहीं तो हर जगह पे हमको सिंह ही सिंह देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हर साल गिराते हैं, हर साल नहीं आते हैं। एक और क्वेश्चन है, जैसे कि और हमने फॉरेस्ट में देखा है कि हर से टाइगर रिजर्व वगैरह रहते हैं, वहाँ पे सब टाइगर का नाम होता है, तो यहाँ पे लॉयन का नाम होता है कि नंबर ऑफ काउंटिंग से ही हम पहचानते हैं कि ये लॉयन का टेरिटरी ये है, इस लॉयन का ये है, ऐसा कुछ नाम जो रहता है ना, वो रेयर केस में कोई अगर फेमस हो गया है और टाइम से एक टेरिटरी में रह रहा है वो, जैसे ये उनके दिखाव के ऊपर से, ऐसे कई बार रेयर केस में उनका नाम रहता है, जनरली नहीं होता है, कभी कभार कोई रेयर केस में नाम रहता है, जैसे देवराज है, कोई नागराज है, बाद में वोट टुकलो है, टेलिया है, ऐसे नाम होते हैं लाइन के। कोई फेमस बताइए जो गिर का सबसे फेमस लाइन हुआ, मतलब साइज वाइज में। हाँ, टेलिया है ना और देवराज है। अच्छा, वो अभी है कि देवराज है? अभी देवजिया सफारी पार्क में देवराज करके है, बहुत ब्यूटीफुल मेल लाइन, अफ्रीकन मेल लाइन की तरह दिखता है, देवजी सफारी में जो है। हाँ, मेन बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम बड़े बड़े मेन है, थोड़े कान के ऊपर से भी है, पूरे ऐसे पूरे हेड के पूरे ग्राउंड में है, ऐसे बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल मेन लाइन है। कोई भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो आता है, एक बार देवराज की फोटोग्राफी कन्फर्म करेगा ही करेगा। देवलिया कैसे, मतलब ये कैसा डिफरेंस है, ये इसी जंगल सफारी हम लोग कर रहे हैं, ये तो हो गया अलग, देवलिया क्या सीन है, मतलब कैसा है? देवलिया जो है ना, एक गिर एक इंटरप्रिटेशन जोन है, देवलिया परिचय खंड, क्योंकि ये नेचुरल है। यहाँ क्या है कि कई बार बहुत दूर से 2,000-3,000 किलोमीटर से कोई गेस्ट आए यहाँ पे और 2-3 सफारी किया गिर जंगल में, और सपोज कि उनको लायन नहीं मिला है, तो वो वहाँ पे जाके इजीली पूरा गिर का एरिया, जैसे गिर फॉरेस्ट और उनका मतलब के सभी एनिमल्स, लायन लेपर्ड सब कुछ कम वक्त में देख सकते हैं। लायन है, लेपर्ड है, तो मतलब वो छोटा जोन है, एक मतलब जोन है, तो वहाँ पे शिकार वो खुद करते हैं, प्रे बेस वहाँ खुद है कि वहाँ पे लोग शिकार कर लेते हैं, लेकिन उनको दिया भी जाता है, लेकिन कभी कभार शिकार भी कर लेते हैं। देवली सफारी का ऐसे वो जो बस होता होगा उस पर बैठ, बस सफारी और जिप्सी सफारी दोनों होता है। हाँ, तो वहाँ पे अगर बस सफारी जिनको जाना है तो डायरेक्ट देवलिया पे जाके वो बुकिंग कर सकते हैं और टिकट लेके डायरेक्ट बस सफारी कर सकते हैं, और जिनको जिप्सी में जाना है तो ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और यहाँ पे करंट विंडो बुकिंग भी, स्पॉट बुकिंग भी मिलता है उधर शासन के, हम जहाँ से निकले रिसेप्शन ऑफिस पे, वहाँ सामने जो ऑफिस था वो देवलिया ऑफिस, देवलिया ऑफिस। अच्छा, ये कितने रुपए की टिकट होती है देवलिया की, बस का या जिप का? दोनों का बता दीजिए। बस का है 200 rupees पर हेड और जिप्सी का है करीबन 3,000 के आसपास, और 6 मेंबर तक। टाइम क्या रहता है? टाइम सुबह 7 बजे ओपन होगा। नहीं, मतलब वो सफारी का ड्यूरेशन क्या रहता है? हाँ, सफारी का टाइम है टोटल 2 घंटे, 1 घंटे का सफारी का टाइम अंदर का और 1 घंटा आने से। रोड नंबर की लिखा हुआ ये 211 लेफ्ट है, 56 राइट है, और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वो है क्या निकल रही है। देखते आगे क्या होता है, आगे वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे नीचे फूल के आप जा सकते हैं।
एक वाटर का ये बना हुआ ना पानी निकलने का रास्ता पानी का निकल जाता है ना। अभी तो बंद रहता है, बारिश का पानी में इतना ज़्यादा होगा स्नो की गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी, इसलिए मानसून में बंद रहता है। यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी है भैया, इस वाले इधर साइड पे थोड़ा ये ग्रीनरी, उनका रीजन ये झरना है ना। हाँ पानी सूख गया है लेकिन अंदर पानी रहता है वहाँ पे। अच्छा। झरनों के आसपास ग्रीनरी होगा ये, जहाँ पे भी झरना है उधर ग्रीनरी रहेगा, पानी वाले एरिया के आसपास ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगा। ये भी पानी का झरना है, ये चेक डैम बनाया हुआ है। स्पॉटेड डियर, एक से आंख हुआ है इससे। वाटर क्रॉसिंग है ये, झरना है, झरना है ये मॉन आप इधर जरूर हां हां मेरे वो देखिए टाइगर, वो देखिए क्रोकोडाइल, ओके क्रोकोडाइल की साइटिंग हुई है, छोटा बेबी क्रोकोडाइल है वो। ब्लैक आइबिस है सामने, कौन सी बर्ड है भैया? ब्लैक आइबिस, बड़े बड़े बर्ड्स है ना, ब्लैक आइबिस, ब्लैक आइबिस, आइबिस, ब्लैक आइबिस बर्ड है। मुझे कितनी क्रोकोडाइल है यहाँ पे, हम लोग वाटर क्रॉसिंग में देखा क्रोकोडाइल है, ब्लैक आइबिस बर्ड। ये क्वार्टर्स है डिपार्टमेंट, और उसके बॉर्डर में क्वार्टर्स होते हैं, रेस्ट हाउस बोल सकते हैं ना, मतलब नाइट ड्यूटी होता है ना उनका, आई नहीं की तो आप अंदर ऐसे नहीं सो हिल से अंदर है थोड़ी थोड़ी लाइन, ये लाइन है लाइन गुरु, क्यों सॉल्टिंग हो गई है ये, ओ भाई क्यों बड़ी लाइन है सर, बहुत बड़ी लॉन है। अभी हमारी जो साइटिंग हुई है, बहुत बड़ी लॉन है, बहुत बड़ा साइज है इनका, वो देखिए गाइस साइटिंग, क्या साइटिंग हो रही है। अब देखो जी कितना बजे ये और ये देख ज्यादा साइज है, कितनी बड़ा साइज, काफी ज्यादा था ना भैया इसका, नहीं ओके एकदम से वीडियो हमारा बन था, एंड ये हमें एकदम साइटिंग हुई है, लिखने जा रही है वो, लो बैठ गई क्या, हमें मूवमेंट देखने को मिला, वो इधर से आई सामने से, यहाँ से जीप ये आ रही है बोलेरो,
और यहाँ पे जाके सीधे पूरा प्रॉपर अच्छा साइटिंग हुआ ये, वो बहुत बड़ी मतलब साइज बहुत अच्छा है उसका। तो आई थिंक आपको दिख पा रहा होगा ये यहाँ पे बैठी है ये, तो यहाँ से चल के आई और वहाँ पे जाके छाँव में बैठ गया। साइज़ जस्टिफाई वीडियो में जस्टिफाई नहीं हो पा रहा होगा साइज़, बट अगर रियलिटी में आप देखोगे आंखों के थ्रू, बट साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी हमारा रूट नंबर 6 खत्म हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर फिर नेशनल पार्क से। सभी केसर मैंगो का फार्म है, गिर का केसर मैंगो भी फेमस है, पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट होता है इधर से, ताला लगी इससे। ये बाउंड्रीज बनी हुई क्या भैया, ये जो बाउंड्रीज है आते जाते रहते हैं, कोई ग्राउंड है कोर्स के ना जाए, इसलिए सिर्फ ऐसा ग्राउंड लगाया है, बाकी वो एनिमल्स के लिए नहीं है ये, कोई भी एनिमल इसीलिए इसको खुद के निकल जाएगा। अच्छा आप ये बता दें कि गिर का जो रिस्ट्रिक्शन है उसके बाहर भी कुछ लायन चले गए मतलब ना? हाँ निकल गए। टोटल लायनों का एरिया भी है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का लायनों का एरिया है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गिर सोमनाथ अमरेली तक ये गिर फॉरेस्ट है, और उसके आगे भी भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, पोरबंदर है, जामनगर तक ऐसे लायन आगे निकल गए हैं। उनका एरिया बहुत मतलब के लायनों का एरिया बहुत बड़ा है, उससे भी गिर जंगल के आगे भी अभी लायन निकल गए हैं। कभी कभार हाईवे के ऊपर है, कभी कभी कभार गाँव के आस पास गाँव। यहाँ पे गिर का एंट्रेंस पे ये शेर था, एंड वी आर डन फॉर द गिर सफारी। हमारी सफारी एंड हो चुकी है, नाउ वी आर लीविंग गिर नेशनल पार्क। 4 साइटिंग्स हुई हमें, ऐसा आप लोग को वीडियो में देखा होगा, 4 साइटिंग्स बैक टू बैक हुई। और जैसा हमारे गाइड भी बता रहे थे तो उसमें साइटिंग्स बहुत कम चांसेस थे, बट स्टिल हमें मतलब 4 एक मूवमेंट भी दिखी लॉइनेस की, जो काफ़ी हेल्दी लॉइनेस थी वो। एंड नाउ वी आर लीविंग गिर, नाउ वी आर गोइंग टू द पार्किंग। हम लोग पार्किंग में जा रहे हैं, फिर कभी चांस मिलेगा वापस हम लोग गिराएंगे एंड एक्सप्लोर करेंगे इन लोगों को। चलिए इतना ही था इस वीडियो में, दिस वॉज गिर फ्रॉम गुजरात।